किल कोरोना अभियान के तहत मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव कार्यक्रम के अंतर्गत गुरुवार को प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट बैठमा पहुंचे। उनके साथ सांसद शंकर लालवानी, पूर्व विधायक मनोज पटेल, कलेक्टर मनीष सिंह, तहसीलदार बजरंग बहादुर, आपदा प्रबंधन के मुख्यमंत्री के सलाहकार डॉक्टर निशांत खरे, नगर परिषद अध्यक्ष धर्मवीर सिंह चौहान, प्रदेश महामंत्री कविता पाटीदार, जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर सहित प्रशासनिक अमला भी मौजूद रहा। वहीं भाजपा, कांग्रेस सहित सेवा भारती के कार्यकर्ता और नगर के प्रबुद्ध और गणमान्य जन भी इस बैठक में उपस्थित रहे। इस समन्वय बैठक में डॉक्टर निशांत खरे ने कहा कि सबसे पहला काम कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ना है, गांव की सीमा बांधकर जनता कर्फ्यू लगाना है। कोविड केयर सेंटर में लाभान्वित व्यक्ति अन्य लोगों को संक्रमित होने से बचाएगा। जनता कर्फ्यू आने वाले बड़े नुकसान से बचा सकता है। शासन प्रशासन के साथ जनता भी इस महामारी में सहयोग करे। सामान्य लक्षण से लेकर गंभीर लक्षण तक सभी लोग इलाज कराए। कोरोना की सफलता समाज के सहयोग के बिना अधूरी है। बैठमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। हमारी माँ के लिए, हमारे बेटे के लिए, हमारी बहन के लिए, हमारे पुत्र को सुरक्षित करने के लिए लगाया गया, इसकी जिम्मेदारी हमारी है कि हम स्वयं की भी रक्षा करें, हमारी माँ की भी करें, पिता की भी करें, पड़ोस के व्यक्ति की भी करें। जनता कर्फ्यू का उद्देश्य, जनता कर्फ्यू की कल्पना यह है। और जो गाँव का व्यक्ति है, गांव का व्यक्ति बाहर के व्यक्ति होने से बचा सके, सीधे बात ये है कि हम लोगों की जान बचा सकें, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जो हम सब कर सकते हैं उसके लिए करें और आप लोग संज्ञान में रहें, क्योंकि आप सब वो व्यक्तित्व हैं जो समाज के हर व्यक्ति को आप लोग उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, समझा सकते हैं और क्या प्रिकॉशंस लेने हैं बतला सकते हैं और लोग स्वीकार भी करेंगे आप लोगों की दी हुई सलाह का। शहर की स्थिति देखिए आपने, अप्रैल मई में बहुत ख़राब स्थिति थी, 20, 21, 22 तेईस वो एक समय था जो पीक था इंदौर में, और बिस्तरों की संख्या भी आप समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं बड़ी टाइट पोजीशन थी, सभी जगह से पेशेंट्स आते थे। आज भी स्थिति ये है कि इंदौर प्रकार से 313 पंचायत में जब कोविड केयर सेंटर बनते हैं और 8 नगर पंचायतें बनते हैं तो लगभग 8,500 से 9,000 की स्ट्रेंथ आती है बिस्तरों की, जिसमें कि हम शिफ्ट कर सकते हैं हर गाँव के संभावित पेशेंट को और पॉजिटिव पेशेंट को। मकसद यही है कि हर पंचायत में जो भी व्यक्ति पॉजिटिव आ रहा है उसको तत्काल शिफ्टिंग की जाए, बहुत ज़रूरी है। वहाँ ग्राम पंचायत कोविड केयर सेंटर में या राधा स्वामी बेटमा से, तो राधा स्वामी भी मैंने बोला है इलाज का, राधा स्वामी में सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। मेरे ख्याल से जो भी व्यक्ति यहाँ से जाएंगे वो स्वस्थ होकर आएंगे और वहाँ की सुविधाओं से प्रसन्न होकर आएंगे। वो तो बेटमा से शिफ्टिंग वो भी कर सकते हैं। 4 एम्बुलेंसेज दी गई हैं, यहाँ पर SDM साहब के पास आ गई हैं, तहसीलदार मॉनिटर कर रहे हैं उसको, स्पष्ट है। इसे शायद सफलतापूर्वक इसका इलाज ना किया जा सकता हो पूरे अधिकार से, परंतु रोका जा सकता है। ये एक आदमी से दूसरे आदमी तक फैलता है, ये चेन तोड़ी जा सकती है, और अगर ये चेन तोड़ दी तो हजारों की जान बचाई जा सकती है। वर्तमान केंद्र सरकार के आंकड़े के अनुसार अगर आप 1,000 संक्रमित व्यक्ति को अलग करके रख दें तो 30,000 का संक्रमण बचा सकते हैं। उसमें से मान लीजिए 24,000 अपने आप ठीक होते 80%, पर 5-6,000 लोगों का अस्पताल जाना रोक सकते हैं। और दूसरा, अगर आप इसे जल्दी पकड़ लेते हैं तो फिर जितने प्रकार के इलाज हम अभी जिनकी हम चर्चा करते हैं, हम मुझे लगता है आप लोग भी शब्द सीख गए होंगे, रेमडेसिविर और ये वीर और वो वीर, जो हम ही को बोलना कठिन है, आप भी बोल लेते होंगे अब बहुत सारे लोग, ये सारे इलाज फिर कारगर होने लगते हैं। हर व्यक्ति आत्मविश्वास से लड़ी जाएगी, निर्भीक होकर निर्दरता करना हरेगा, एक दिन हम सब मिलकर इसको हराएंगे। आज की यह बैठक मेरा गांव कोरोना मुक्त इस अभियान के तहत थी, सर्वदलीय बैठक थी, समाज सेवियों के साथ में बैठक थी। सभी ने यहाँ निश्चय किया कि मेरा गांव कोरोना मुक्त हो, और इस संबंध में माननीय प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट जी, कलेक्टर महोदय, सांसद महोदय, सभी लोग यहाँ इस बैठक को लेने के लिए आए थे और सबके साथ में सार्थक चर्चा हुई, और चर्चा के साथ में यह निर्णय हुआ कि हम अपने अपने गांव को ब्लॉक कर दें। ब्लॉक कर दें मतलब जन समर्थन से ब्लॉक करें, जनता कर्फ्यू जो स्वतः लागू करें अपने अपने गांव में, और अपने अपने गांव में किस सबको पता रहता है कि किसको बाहर जाना है, किसको नहीं जाना है, किसको अंदर आना है, किसको नहीं आने देना है, यह गाँव वाले स्वतः ही करेंगे, तो जो कोरोना की चेन है इसको हम तोड़ पाएंगे।
और इसी मेरा गांव कोरोना मुक्त इसी अभियान को जब तक आम व्यक्ति इसमें सहयोग नहीं करेगा, आम व्यक्ति इससे नहीं जुड़ेगा, तब तक यह कोरोना की चेन नहीं टूटेगी। इसलिए आज की यह बैठक मुझे लगता सार्थक होगी और मेरा गांव कोरोना मुक्त जरूर होगा, मेरे तहसील कोरोना मुक्त जरूर होगी, मेरा जिला कोरोना मुक्त जरूर होगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।